सेकेंड फॉसिल फ्यूल इज द ऑयल एंड द नेचुरल गैस. पहले था फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब हम ऑयल की कैसे फॉर्मेशन होती है. ऑयल वॉज मेड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वॉन्स लिव इन द सी. अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो हमारे पास बहुत सालों पहले ज़मीन के अंदर क्या सॉरी सी के अंदर क्या थे, लिव कर रहे थे. ठीक है, जैसे ये डाइड हुए, एज द डाइड देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सी वेयर दे आर कन्वर्टेड विद द लेयर्स ऑफ द सैंड एंड मड. जैसे ही वो डाइड हुए तो उनकी जो बॉडीज हैं वो कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द सी जो होगी वो कलेक्ट होगी, और वहाँ पे उसके ऊपर मिट्टी और जो रेत है वो क्या होगी, मिट्टी और रेत जो इकट्ठी होना शुरू होगी. और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स बिकम्स अ वेरी थिक. और जो लेयर ऑफ सेडिमेंट है वो बहुत थिक होगी. सेडिमेंट मीन्स द पार्टिकल्स विच आर सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी और अ लिक्विड. दिस पुट द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रेशर. और उसकी वजह से क्या हो गया, सेडिमेंट जब बने तो वो बहुत थिक हो गया, उसकी वजह से उसके अंदर का डिकेइंग प्लांट्स का जो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रेशर है, प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस देम इनटू अ थिक ब्लैक क्रूड ऑयल. फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज हाउ द ऑयल इज फॉर्म. द लेयर ऑफ द सैंड एंड द मड टर्न इनटू रॉक्स एंड कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स. अब लेयर ऑफ सैंड्स रेत की एंड मड और मिट्टी की टर्न इनटू वो रॉक्स में गई और उन्होंने क्या बना दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स बना दिए. दीज रॉक्स आर पोरस. अब ये जो रॉक्स बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या होते हैं, पोरस होते हैं. मतलब इसमें से क्या होते हैं, स्पॉन्जी स्पॉन्जी होते हैं, इनमें से वाटर जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है ये कोई भी लिक्विड. दे हैव अ टाइनी होल रादर लाइक अ स्पॉन्ज विच अलाउ द लिक्विड टू मूव प्योरली थ्रू दैम. तो ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं जिनमें छोटे छोटे होल होते हैं ताकि उनमें से कोई भी लिक्विड पास हो चुके आहिस्ता आहिस्ता. ऑयल राइजेज थ्रू पोरस रॉक अंटिल इट मीट्स अ लेयर ऑफ इम्पर्मिएबल रॉक विच डज नॉट अलाउ द लिक्विड थ्रू. एक हमारे पास पोरस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक पोरस होते हैं, उसमें से लिक्विड फॉलो ट्रैवल हो सकता है. दूसरा हमारे पास इम्पर्मिएबल रॉक्स आर दोज रॉक्स फ्रॉम विच द ऑयल्स आर नेवर ट्रांसफर और एनी लिक्विड नेवर ट्रैवल. सो ऑयल जो होता है वो पोरस रॉक से ट्रैवल होते होते एक ऐसी लेयर में चला जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पर्मिएबल लेयर, जहाँ से जो ऑयल है वो ट्रैवल नहीं कर सकता उसकी लेयर में से. द ऑयल इज देयरफॉर ट्रैप्ड इन अ पॉकेट. फिर ऑयल को उसमें क्या, उसमें से पास तो हो नहीं सकता, तो उनको एक पॉकेट में ट्रैप कर लिया जाता है. गैस कलेक्ट अबव द ऑयल एज इट्स लेस डेंस. और फिर जो ऑयल के ऊपर जो गैसेज होती हैं उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो होती हैं वो लेस डेंस होती हैं इसीलिए वो ऊपर आ जाती हैं, तो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है. इट इज दिस पॉकेट ऑफ ऑयल्स एंड गैस डेट ऑयल कंपनीज लुक फॉर. तो ये वो वाले ऑयल पॉकेट्स हैं जो ऑयल कंपनी को चाहिए होते हैं. हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ वाटर. सो इट इज़ अ इम्प्योरिएबल रॉक. ऐसे रॉक जिनसे लिक्विड नहीं फॉलो हो सकता. और ये जो है ये हमारे पास क्या, पोरस रॉक जिसमें से वाटर ट्रैवल हो सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास ऑयल बन गया. ऑयल के ऊपर जो गैसेज होती हैं वो लेस डेंस होती हैं, वो इसी ऊपर आ जाती हैं. फिर हम ड्रिलिंग से उनको क्या करते हैं, उन गैसेज को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम ऑयल को भी निकाल लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ऑयल इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ वी कलेक्टेड द ऑयल.